लोग थके होंगे। सबसे पहले आप अपने विषय अपने बारे में बताइए। ओके, मैं हूँ सुधीर कमल। मैं बेसिकली बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, मोतिहारी से। सुधीर कमल मैं बिहार से हूँ, चंपारण से, मोतिहारी घर है मेरा। मैं बचपन से मैं मुजफ्फरपुर में पढ़ा लिखा, एजुकेशन और एक्टिंग सब वही, एक्टिंग डांसिंग सब चीज़ें वहीं के मुजफ्फरपुर। तो आपने इसके लिए कहीं कोर्स किया? हाँ, इप्टा कोर्स कहीं से इप्टा 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 ज्वाइन किया। आई एफ टी। अच्छा, एक्टिंग कोर्स। हाँ, इप्टा से। अच्छा, ये कहाँ पे हुआ? इप्टा है मुजफ्फरपुर में। ये मुजफ्फरपुर में। ये क्या आपकी प्रथम फिल्म? नहीं, ये मेरी तीसरी मूवी है। तीसरी मूवी है? दो रिलीज, ये चौथी मूवी है। अच्छा, एक और आने वाला है। अच्छा, आपकी चौथी मूवी है। तो फिल्मों के तो आपका रुझान क्यों? इसमें रुझान दोस्तों, जैसे मैं सबसे पहले, मैं जब बीबीए कर रहा था तो मेरे कॉलेज में हुआ मिस्टर एंड मिस एल मिश्रा, मेरे कॉलेज का नाम है। अच्छा, तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया तो मैं सेलेक्ट हो गया। अच्छा, मिस्टर एल मिश्रा बन गया। तो लोगों को मेरा बस डालती और एक्टिंग लोग अच्छा लगा, तो बोला दोस्त है कि तुम एक्टिंग में कुछ अपना करियर बना सकते हो। अच्छा, तो मैंने सोचा। उसके बाद मैं रैंप शो जो लगा करने, रैंप शो किया। डांस मुझे आता था थोड़ा बहुत, बचपन से मैं करते रहता था, तो लगा कि नहीं तो मुझे एक्टिंग करना चाहिए। तो फिर मुझे एक्टिंग मुझे चांस मिला करने का। नहीं, एक्टिंग का दोस्तों के द्वारा कहने पर आपने किया या आपके मन में पहले से? नहीं, पहले से मेरे मन में नहीं थे, पहले से मुझे मुझे जग रहा था ऐसा। नहीं, पहले से मुझे मम्मी डैडी और मेरे इच्छा था कि मैं बिजनेस मैनेजमेंट कर करके मैं ना मैनेजर बनूँ किसी कंपनी का। क्योंकि दोस्तों और कहने से मुझे नहीं, मुझे एक्टिंग ही करना चाहिए, मैं करने लगा। मैं कंपनी मैनेजर बनना चाहता था। हाँ, ठीक है। दोस्तों के कहने पर आप इस क्षेत्र में? हाँ, इस फील्ड में आ गए दोस्तों के। अब आप क्या सोचते हैं कि अगर इस क्षेत्र में आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है या वहाँ जाने? नहीं, बस यही, इसी में जो करना है इसी फील्ड में मैं करूँगा। तो संतुष्टि के, मैंने आप क्या सोचते हैं कि आप इसमें ज़्यादा संतुष्ट हैं या वहाँ जाकर ज़्यादा? नो नो नो, मैं अपनी एक्टिंग से ही संतुष्ट हूँ। अपनी एक्टिंग से संतुष्ट हूँ। और पहली दूसरी पिक्चर? इससे पहले वाली पहली फिल्म थी मेरी सजनी पुकारे नदिया किनारे। सजनी पुकारे जी, नदिया किनारे, सजनी पुकारे नदिया किनारे, ये पहली फिल्म थी। हाँ, दूसरी फिल्म थी जय पंडित, नदिया किनारे। हाँ, सजनी पुकारे नदिया किनारे, ये एक फिल्म पहली होगी। दूसरी फिल्म जय पंडित, जय जय पंडित, जय पंडित। तीसरी? तीसरी कुर्सी पुत्र आने वाली, रिलीज होने वाली है। उसका पोस्ट प्रोडक्शन का काम हो चुका है। कौन सी बताएं? कुर्सी पुत्र, कोसी, कोसी नदी जो है। हाँ, कोसी नदी, कोसी पुत्र। हाँ, और ये चौथी आपकी? चौथी मूवी बादशाह। इस फिल्म में आपका रोल क्या है? मतलब क्या है इस भूमिका, क्या है इस फिल्म में? इस फिल्म में एक ऐसे इंसान का कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा हूँ जो कि वो जब जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है तो इनोसेंट होता है, उसको बाहरी दुनिया के बारे में कुछ पता नहीं होता है, अच्छा या बुरा नहीं पता होता। वो इसी समाज को देख करके शिक्षा लेता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा। इसी कन्फ्यूजन में वो अच्छा को बुरा समझता है, बुरा को अच्छा समझता है। तो इसी इसी को ना समझी में वो बुराई का रास्ता अपना लेते हैं। मीन्स कि बादशाह उसी समाज में एक ऐसा इंसान होता है जो विलेन होता है, उसको उसका करेक्टर बहुत पसंद है, तो यही बंदा सही है। अच्छा, तो उसी को लगता है कॉपी कर ले, कॉपी करते करते अब उसी जैसा बनने लगता है, आखिरकार बन भी जाता है। तो उसको लगता है कि मैंने ये सब गलत किया, मुझे ये नहीं करना चाहिए। हाँ, रियलाइजेशन होता है। और उसी बीच उसकी माँ भी मर जाता है, पापा सब भी मर जाता है। तो लगता है कि ये गलत चीज़ है जिसकी वजह से मैं अपनी सारी चीज़ें खो दिया, इसलिए वो चीज़ को सबको बंद करके ख़त्म करता है। फिर वो अच्छा इंसान बनने की कोशिश करता, बन जाता है लास्ट में, अच्छा बन जाता है, अच्छा बन जाता लास्ट में। जिस समय वो इस क्षेत्र में रहता है, स्ट्रगल कर रहा होता है अच्छे बनने के लिए, अच्छा बनने पहले से उसका क्या अनुभव होता है और अच्छा बनने के बाद का अनुभव क्या होता है, दोनों में अंतर क्या है? जब इस फील्ड में जब वो गलत की दुनिया में जब जाता है, उसको लगता है यही सब कुछ अच्छा है। अच्छा, पैसे आते हैं,
सर्किल बनते लोग सलाम साहब सलाम साहब सलाम भाई प्रणाम भाई करता है तो अच्छा लगता है। तो जब इसके माँ बाप सब कुछ समझाता है तो नहीं समझ पाता ये, यहाँ तक कि जब माँ जब उसी गलत काम की वजह से माँ मर जाती है, मेरी गोद में मरती है, तो मुझे लगता है नहीं मैंने ये सचमुच मैंने गलत किया, मेरी माँ दोस्त यार सब कुछ सही थे मैं गलत था, तो वहाँ से खुद को चेंज करता है। जब खुद को चेंज होने से पहले चाहता कि मैं इस गलत समाज को मैं सुधारूँ, फिर मैं खुद को देखूँ सिलेंडर को जो करूँ। सुधारने के लिए क्या क्या कदम उठाए जाते हैं? सुधारने के लिए सबसे पहले जिसको माँ को मारता है, माँ को जो मारता है उसको पहले ज़्यादा घर मारने के लिए, ठीक है, ताकि फिर वहाँ से अपना उसको मार करके समाज को मैं उससे मुक्त करूँ और खुद को मैं चेंज करूँ, ये थे लास्ट। तो सुधार के लिए आपको क्या लगता है कि बदला लेना उचित है या बदल कर दिखाना उचित है? बदल कर दिखाना उचित है। तो इसमें आपने क्या किया, बदला लिया है कि बदल? नहीं, मैंने बदला नहीं लिया। लास्ट में जब मैं मारने जा रहा होता उस जो विलेन इंसान है तो नहीं मार पाता मैं, क्योंकि मैं उतना बड़ा मैं खूंखार नहीं बन पाया था, मैंने किसी मर्डर नहीं किया है। अच्छा। यानी अपने को निगेटिव साइड से लोगों को डराया धमकाया, मैं मारने जा रहा होता हूँ तो जो मेरी गर्लफ्रेंड होती है वो मुझे रुकती है। हाँ, तो मैं नहीं मार पाता, मैं गन को छोड़ देता हूँ, यानी मेरा वो जो जमीर है ना वो जाग जाता है, नहीं मैं ये क्या कर रहा हूँ, मेरी माँ ना मेरी माँ जिंदगी भर इसी काम को रुकने के लिए मना किया, मैं फिर भी कर रहा हूँ, मैं नहीं करता हूँ, छोड़ देता हूँ। आप चाहते थे कि मैं एक बादशाह जैसा एक साम्राज्य तैयार करूँ, ठीक है, लेकिन जब आप पूरी तरह उसमें आ जाते हैं तो उस कारण कुछ हादसे ऐसे हो जाते हैं। हाँ। तो आपका जो मन परिवर्तन हो जाता है, हो जाता है। तो फिर आप उस पुरानी दुनिया से नई दुनिया में आना चाहते हैं। तो फिर आप उसमें आके दिखाएं परिवर्तन किए, समाज को परिवर्तन किए, तो अब आप लोगों को, समाज को, देश को, आपकी जो भावना चेंज हुई है, ये फिल्म जो बना रहे हैं, इससे आप क्या प्रेरणा देना चाहेंगे, क्या संदेश? हाँ, बिल्कुल सर, मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अगर किसी इंसान जब कोई इंसान जब कुछ करने की कोशिश करता है तो पहले सोचे क्या सही है क्या गलत है, अगर नहीं समझ में आता है तो अपने बड़े से अपने बुजुर्ग से सलाह ले, ताकि उसको अनुभव होता है अच्छा क्या बुरा क्या है, उसको ध्यान में रखते हुए कुछ आगे कदम उठाए और लाइफ में आगे बढ़े। ये फिल्म करने के बाद आपको कैसा लगा अनुभव? इस पहले मैं लगता था कि सब कुछ एक्टिंग आसान होता है, क्योंकि इस ये मैं डिफरेंट कैरेक्टर है, अभी तक मैं जो भी कैरेक्टर प्ले किया वो फनी टाइप का था, जस्ट लाइक चॉकलेटी टाइप का। ये फिल्म पूरी तरह मेरा एकदम ग्रे शेड है, नेगेटिव टाइप का, मतलब बहुत टफ था, बड़ी मुश्किल हुआ है। डायरेक्टर सर, शिवा सर और मेरे प्रोड्यूसर साहब संदीप सर की मतलब प्यार की वजह से मैंने यहाँ तक कुछ कर पाया, बड़ी मुश्किल हुआ बट मैं कोशिश कर रहा हूँ, और जहाँ तक पब्लिक चाहे मैं अच्छा किया बुरा किया उनके ऊपर डिपेंड करता है, मैंने 100% देने की कोशिश किया है। कुछ नया आपको सीखने को क्या मिला इसमें, कुछ अनुभव नया इसमें? अच्छा या बुरा? हाँ, इसमें सबसे पहले इसमें एक डिफरेंट टाइप का मुझे स्टाइलिश एक्शन करने का मौका मिला, जो डिफरेंट टाइप का अभी तक जितनी फिल्में मैंने किया देखा भी है उसमें जो एक्शन होते थे, इसमें डिफरेंट टाइप एक्शन है, वो अलग स्टाइल है, इसमें डांस का अलग मूड है, अलग स्टाइल है, ये सब मेरे लिए नया है। और लोकेशन के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? 100% श्योर, लोग मुंबई से यहाँ आते हैं, मैंने तो डायरेक्ट यहीं पर पूरा फिल्म खत्म किया, यहाँ पर लोग सिर्फ एक दो शॉट करने के लिए आते हैं, लेकिन मैंने पूरी फिल्म यही कम्प्लीट किया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मैं बहुत खुश हूँ। हम लोगों की शुभकामनाएं भी आपके साथ है, आपके साथ है, ये फिल्म बहुत सफल होगी, बहुत मैंने आपकी जो सोच है उससे भी ज़्यादा अच्छी हुई है, हर लोग आपको आशा थी सफलता मिले, आशा से अधिक सफलता आपको मिलेगी, यही हमारी जो है शुभकामनाएं। थैंक यू।